in this video we will discuss about development of female gametophyte in selaginella this is the third video of silaginella. in the first we have discussed about morphology in the second about structure of microsporangium and megasporangium as well as strobili or cones structure of microspores structure of megaspores now in this video we will discuss in detail about development of female gametophyte uh, to know about development of female gametophyte, we must know structure of megaspore. Then structure of archegonium we will discuss fertilization and formation of zygote. So we'll discuss one by one. First we'll discuss about structure of megaspores, which we have previously also discussed in the uh, video. link will be shared in the description box. Now megaspores they are produced inside megaprentium. megaspringium are born on the megasporophylls now megaspores they are bigger in size they are larger in size and their size varies from 1 to 5 millimeter in diameter they have tetrahedral shape and this is the outermost wall called as exine and this area is called as triradiate radiate ridge नाइफ यू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोर इट इज़ हैविंग दिस आउटरमोस्ट वॉल दिस इज़ कॉल्ड एज एक्जोस्पोर और एग्जाइन देन दिस पिंक वन इज इन टाइन और ये जो बीच में जगह है यहाँ पर आप ये वाला जो मैसेज खींच रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड एज मिजोस्पोर एंड इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएटेड दिस इज द साइटोप्लाज्म विच इज़ प्रेजेंट एट द पेरीफ्री एंड दिस पार्ट इज़ द वैक्यूब सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ़ द मेगास्पो जो थोड़ा बड़े साइज का है एंड विच इज़ बिंग प्रोड्यूस्ड इन साइड द मेगा अब ये कैसे डिवेल्प करता है फीमेल गैमीटोफाइट में ये हम डिस्कस करेंगे वेन इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द मेगा इसके अंदर जब मेगास्पोर यहाँ पर है तो यहीं पर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है सो इट इज़ कॉल्ड एज जर्मिनेशन इन सिटू मीन अंदर ही उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई अब जो मेगास्पोर है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है उसको जो मेगास्प्रेंजियम के अंदर टेपिटम लेयर होती है वो प्लस अगर हम कहें कि ये है मैगाप्रेंजियम इसके अंदर ये है स्पोरोजिनस टिश्यू और ये है इसकी वॉल टपिटम जो इसको नरिश कर रही है अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये सारे डिजेनरेट हो जाते हैं एक ही बच जाता है जो बाद में मेगास्पोर मदर सेल एक्ट करता है और मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सारे सेल जो डीजनरेट हो जाएंगे वो वाले और ये जो टपीटम है डी होके दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रियन टू द डिवल्पिंग मेगास्पोर मदर सेल सो मेगास्पोर मदर सेल से फिर मेगास्पोर बनेगा अब जब मेगास्पोर को नरिशमेंट मिलेगा टपीटम से या बाकी जो खत्म हो रहे हैं मेगास्पोर्स चार बनते हैं चारों में से जो डिवेल्प हो रहे हैं वो टेपिटम और स्पोरोजेनिस टिश्यू से नरिशमेंट लेंगे एंड दे विल डेवलप टू द फीमेल गैमीटोफाइट तो हम देखेंगे कि ये फीमेल गैमिटोफाइट में डिवेल्प हो गया है अब इसके कैसे ये बनता कैसे है ये हम देखते हैं अब हमने कहा था कि ये जो बाहर वाली कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोर दिस इज मीजोसपोर और ये है दिस इज मीजोसपोर एंड दिस इज एंडोस्पोर तो यहाँ पर एक खाली जगह है तो ये एंड जो एंडोस्पोर uh, है यहाँ से सेपरेट है हर जगह लेकिन एक जगह एपिकल पार्ट पे ये उसके साथ जुड़ी हुई होगी मैं वॉल के साथ तो हम देखेंगे कि कैसे ये डेवलप होता है सो so, ये जो अब न्यूक्लियस है इसके अंदर दिस इस विल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा क्योंकि ये हैप्लॉयड है और हर एक न्यूक्लियस के आसपास फिर वॉल फॉर्मेशन होता है तो ऐसे ये सेलुलर बन जाता है और इस रीजन में ऊपर वाले पार्ट में हम देखेंगे ये काफ़ी रेगुलर है इसमें बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है सेल्स का ये वाला रीजन जो है सो दिस इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव रीजन और इसको हम प्रोथैलस भी बोल देते हैं गेमिटोफिटिक पार्ट भी बोल देते हैं अब ये है एक पार्टीशन जो दो जोन्स को सेपरेट कर रही है दिस इज़ कॉल्ड एज डायफ्राम और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला बहुत इरेगुलर है पूरी तरह से प्रॉपरली अरेंज नहीं है सेल इसके कुछ डिजनरेट भी कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव जोन और न्यूट्रिटिव रीजन और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ऑयल हो गया स्टार्च हो गया या प्रोटीनेशियस मटेरियल यानी कि एल्ब्यूमिनस मटेरियल है तो ये ये जो है पूरा नरिशमेंट दे रहा है ऊपर वाले पार्ट को इसके डेवलपमेंट के लिए और ये जो पार्ट है ये वाला रीजन जो है सम टाइम दिस में टर्न ग्रीन इन कलर ऑल्सो वैन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड कैरी ऑन इट्स ओन ऑटोट्राफिक न्यूट्रिशन अदरवाइज इसको न्यूट्रियट यहाँ से मिलते हैं और जिस इ, क्योंकि ये uh, यहाँ पे आर्किगोनियम बेयर करेगा सो दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिव रीजन और यहाँ पर ऐसे राइजोइड्स भी डिवेल्प हो जाते हैं जो इसको सोयल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं जब ये सॉइल के साथ अटैच हो जाता है सो दिस कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द डेवलपिंग फीमेल गेमिटोफाइड तो यहाँ पर कुछ पहले आर्किगोनियल इनिशियल्स अपेयर होंगे फिर आर्किगोनियल इनिशियल से बन जाएंगे आर्किगोनियम तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है तो ये जो है आर्किगोनियम जो है फीमेल स्ट्रक्चर है ये यह यहाँ पर डिवेल्प हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव रीजन तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आर्किगोनियम यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जोन था अभी हमने देखा आ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट है यहाँ पर तो इनका स्ट्रक्चर क्या है आर्किगोनियम का अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला चार सेल नजर आ रहे हैं लेकिन ये दो टायर्स में तो दो टायर मतलब जैसे अगर हम ऐसे बना दें तो ये हमें चार आगे नजर आते हैं चार कहाँ पे होंगे पीछे तो पहले रो में कितने हो गए चार और दूसरे रो में भी कितने हो गए चार तो यहाँ पर ये दो हो गए जो बना रहे हैं कवर सेल और ये साइड पे पड़े हुए हैं सो टू टायर्स ऑफ फोर सेल्स ईच अपर टायर इज मेड अप ऑफ फोर सेल्स एंड लोअर टायर इज़ ऑल्सो अप ऑफ फोर सेल्स विच फंक्शन एज कवर सेल और इसका ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नेक और ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं वेंटर तो नेक में प्रेजेंट है नेक के सेल और यहाँ पर प्रेजेंट है वेंटर के सेल और इस रीजन में प्रेजेंट है एग सेल तो ये है मेच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर जिसमें एक ही नेक कैनाल सेल है एक ही वेंटर कैनाल सेल है एक ही एक्सेल है अब जैसे ही आर्किगोनियम मेच्योर होगा तो ये सारे सेल्स वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल एग नहीं बाकी सारे सेल डिजेनरेट हो जाएंगे और ये ऐसे यहाँ से खुल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे तो यहाँ पर ये खुल गए और ये जो सेल है एग सेल पड़ा हुआ है अब ये सारे सेल डिजनरेट होकर बना देंगे म्यूसीज और ये जो म्यूसिलेज है इसमें केमिकल होता है ऑलमोस्ट मैलिक एसिड जो एंथीरोजोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो so, एंथिरजोइड का स्ट्रक्चर हम पहले कर चुके हैं फिर से एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि एंथिरोजॉयड का जो स्ट्रक्चर है देखेंगे कि वो बाई बायफ्लेजलेटेड है इसमें ये इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस है और ये दो फ्लैजैला है एंथिरोजोइड्स में और ये जो बाई बाईफ्लैजलेटेड स्पर्म्स हैं ये मूव कर सकते हैं या स्विम कर सकते हैं एंड दे कैन रीच टूवर्ड द आर्किगोनियम तो ये यहाँ पर आर्किगोनियम अट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे अब इसके जो फ्लैजाला है वो खत्म हो जाएंगे रिजॉर्ब हो जाएंगे उसके बाद ये जो इलांगेटेड न्यूक्लियस है इसका एंथीरोजोड का ये वहाँ पे पहुँच जाएगा और ये दोनों मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस एग का हैप्प्लॉयड न्यूक्लियस और एन्थीरोजॉयड का हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और ये इस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिन गैमी विच इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन सो फर्टिलाइजेशन के बाद दिस विल डिवेल्प इन टू डिप्लोयड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज